मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के लिए जयंती स्टेडियम सेक्टर 6 भिलाई भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने संबोधन की शुरुआत कका अभी जिंदा है कहकर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि पिछले साल 4 मई से हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। शहर और गांव क्षेत्र में सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की। उस समय से ही मन में था कि युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करना है। इस क्रम में पहले रायपुर फिर बिलासपुर में भेंट मुलाकात किए और आज दुर्ग संभाग में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। भागे पल्ला देखो टूरा, अरे भागे पल्ला देखो टूरा, खेल खिलावे हमर सियान, खेल खिलावे हमर सियान, सुन लो दीदी सुन लो भैया, देके जम्मो बने ध्यान, कका राज माखू से भारी, नोनी सब नोनी बाबू संग मितान, कका राज माखू से भारी। धन्यवाद, सादर जय जवाहर सब झल्ला। अब हमन कबो कैसे लागिस तीन गांव आप मन लगना है, भेंट मुलाकात ई रिदम में, ठीक है। जम्मो जन हाथ उठा ले, सबके सब दुर्ग संभाग के सब युवा मन, कैसे लागिस, कैसे लागिस, कैसे लागिस। हमार बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, अनिला भेड़िया जी, हमारे तीनों मंत्री और साथ में वरिष्ठ साथी भाई अरुण वोरा जी, भाई देवेंद्र जी और सिन्हा मैडम, भुवनेश्वर बघेल और नवागढ़ वाले विधायक, गुंडरदेही के विधायक, एकर नाचा देखू, सन्नी साहू गाड़ रहेगा और इंद्र साहब मंडावी और कौन बात है, बहुत सियान मता का है, प्रदीप चौबे जी भी है, लक्ष्मण चंद्रा का, आर्यन वर्मा, बहुत सब साथी मना है, वरिष्ठ मना है और एक साथ साथ महापौर मन भी आए है, ओकरो मन के स्वागत है, अभिनंदन है। और एक तरफ हमार एसीएस साहब है और तमाम सब अधिकारी मना है। पिछले साल 4 मई से हमन भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में भी गेन हाट बाजार क्लिनिक एकर तो शुरुआत कर दें, दो ठीक मांग थे, एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दे और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोल दे, कावर के सब कर पैसा आ गए, बैंक होना जरूरी है, स्कूल होना जरूरी है। अभी स्कूल खोल दें तो कॉलेज, आज तक के 23 साल हो गए से छत्तीसगढ़ बने लेकिन अंग्रेजी माध्यम के शासकीय महाविद्यालय ने रही से साल 10 तक शासकीय महाविद्यालय खोले। अभी लड़का एकदम कहा आओ अंग्रेजी कॉलेज खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए ताकि हमरो लड़का मन फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, कोनो कर झुके का मौका मत मिला। छत्तीसगढ़ के लड़का देश और दुनिया में जाके अपन बात लदमदारी से कहा है, जैसे अभी ये मंच में हजारों की भीड़ में जिन बात कहा थी, तो स्वाभिमान सबसे जरूरी। यदि आवाज, हाँ जी, हेलो, हाँ सुनाई देते, हमको मन की शक्ति देना रण विजय करे, हमको मन की शक्ति देना रण विजय करे, खुद से ही पहले खुद की जय करे, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। काका मोर नाम है कमलेश साहू, मैं संस्कारधानी राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय से आऊ और हमर राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसे खेल प्रतियोगिता पर स्टेडियम बनाए गए है, जिहां ले निकल के हमर दीदी ज्ञानेश्वरी यादव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक लावा थे और उही क्रम में आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुरुआत करो जेमा हमर गांव के सभी होनहार लड़का मन खेल खेलिस, लेकिन हमर गांव के लड़का मन मोल पूछिस कि भैया यहाँ तो हमन खेल खेल रहे लेकिन हमन ला राज्य स्तर
राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलना है तो ओकर बर हमन ला कौन मदद करी, तब मैं बोले हो हमर काका मदद करी। तो हमर गांव के स्कूल मन में पीटी टीचर के कमी है काका, तो ओला वो मांगला पूरा कर देता हूँ। काका पाव परत हो, खुश रहो भैया। मोर नाम है सुनील सिहोरे, मैं खैरागढ़ से आया हूँ। हाँ सुनील भाई, और एक लाइन आपके लिए मैं बना के लाऊ, दो तीन महीने से सोचे रहे आपके पर गाऊ करके। अरे दिन ले हाँ। तो लाहे बना भूपेश काका, तोला है जोहार भूपेश काका, तोला है जोहार भूपेश काका, छत्तीसगढ़ के राजा तोला कही थे गा, सबके मांग ल पूरा तय। जय जोहार काका। जय जोहार जी काका, आपला बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भा अपन भतीजा भतीजी मान ला यहाँ संवाद करे के मौका दे हो जी, धन्यवाद। कहा नाम है भाई भतीजा? दानेश्वर सिन्हा। दानेश्वर सिन्हा, ये संगीता सिन्हा के रिश्तेदार का जी? निकाल बहुत निकल जाएगी। हेलो। हाँ। जय जोहार काका। जय जोहार, कहा नाम है नोनी? मोर टिंकल नाम है। हाँ, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज बेलोदी से आए हो। हाँ बता। वहाँ पीजी के कॉलेज देहा सोकर पर आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है काका। अब मोला देहा चेक देहा 25,000 के, जब मैं मार्शल आर्ट के गेम में नेशनल खेले हो तो ओकर से मैं आगे बढ़े हो काका, ओकर पर तो आभार है। बहुत बहुत कास मंजस हो जाते क्यों, मतलब कहा बनना है, करियर पॉइंट पता नहीं है काका, उहिला बता दे। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल सुझाव है। और हर व्यक्ति के अंदर में अलग अलग विशेषज्ञता रहते, और वाला पहचानना और ओकर हिसाब से आगे बढ़ना निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है हर नौजवान के जीवन में। और एक बार काउंसलिंग भी किए जा सकते सियान मन से, अपन कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर है, परिवार के सियान है, एकर मन से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं हर जनपद तो नहीं बता सका, लेकिन हमारे सरकार बहुत अकन योजना लागू करे है जेकर माध्यम से वो आगे बढ़ सकते है ना। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद काका, जय जोहार काका, खुश रहो, जय जोहार। अब चलो भाई दुर्ग सेक्टर। तो हमन देश दुनिया के औ अन्य कृषि महाविद्यालय के हो जाए इन्होंने आए कवि। हाँ कविता, धन्यवाद। तेज कविता नहीं सुनावे ना? नहीं। हाँ नहीं सुना वो लड़की से। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इधर नहीं उधर। मैं उदय प्रसाद, उदय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग की मेटलर्जी ब्रांच की छात्रा मोनिका साहू। हाँ जी मोनिका जी बोलो। मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ महोदय जी। जय जोहार काका। जय जोहार। आप मैं सब युवाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कला तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रों में हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इसकी अनुमति चाहती हूँ। नहीं वो करीज बात खड़े हूँ मैं। धन्यवाद महोदय जी। जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत से लोग हैं तो बहुत से विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से जैसे प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सी फीस के कारण वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे दुर्ग संभाग में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी है। मैं उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अभी स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं उसी वो सीट खाली जा रही है, पूरे भर नहीं रहे हैं। और इस कारण से इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग उतनी नहीं है, मेडिकल कॉलेज की जरूर मांग है और सबसे ज्यादा अभी आईटीआई की है। सर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं नहीं समझता कि दुर्ग भिलाई में खोलने की जरूरत है कि इतने प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं और इतने कम फीस। जय जोहार काका। हेलो। जय जोहार काका।
वेटनरी के स्टूडेंट हो, वेटनरी कॉलेज अंजोरा के। पूरे छत्तीसगढ़ में खाली एक कॉलेज है, ठीक है। माँ बाप भलो अपन एक लौता औलाद के बात ला सुनते तो फिर तो आते हैं अमर काका हरस, है ना। तो आपके कार्यभार में जिला की संख्या तो बढ़े है, लेकिन पशु चिकित्सक के जो पोस्ट है वह उखर में बढ़ोतरी उतना हो नहीं है। तो हमर मन के डिमांड है कि ओमा भी हमर मन के पोस्ट ला बढ़ाया जाए, और औषधालय में भी जो है वेटनरी डॉक्टर के पोस्टिंग होना ही चाहिए, काबर की वहाँ डिप्लोमा वाले मन रहते, उखर मन ले तो डॉक्टर ही ठीक है ना। और एक ठीक है रीस है कि 5.5 साल के हमन पढ़ाई करथन है, और उसके बाद हमन वेट करत रहन कि अब पोस्ट सही, अब पोस्ट सही, तो हम सोचथन पीजी कर लेथन। हाँ, ओमा भी हमारे स्टाइपेंड के कौन हो ऑप्शन नहीं है, जबकि MBBS मान लो 40,000 तक के भी मिलते, डेंटल वाले मान लो भी मिलते, और बाकी सब से मान लो भी मिलते। रिसर्च के जितना खर्चा है ना वो सब हम अपन जेब ले निकालते, तो कम से कम 30,000 के स्टाइपेंड। भाषा ना लंबा मत कर, सवाल कर रहे थे, चलो मैं तो सवाल के जवाब देता हूँ। पहली बात ये है कि ये जन गौठान योजना है ओकर माध्यम से अभी हमन हा सबो ब्लॉक में एक एक मेडिकल मोबाइल यूनिट वेटनरी के हमन हा प्रारंभ करा था, तो 150 हमार मोबाइल यूनिट ही, और ओमे पूरा वेटनरी के डॉक्टर भी रही, स्टाफ भी रही, इलाज के व्यवस्था रही, तो वो दिशा में हमन आगे बढ़ा था। कहा कि पशुधन के ओकर उन्नयन करे बर, ओकर सुरक्षा करे बर और दूध उत्पादन बढ़ाए में लगातार हमारे सरकार प्रयास करत है, तो ये दिशा में भी हम आगे बढ़ा था। निश्चित रूप से तोर जन समस्या जल्दी दूर हुई। अब पानी हूँ गिरत है, सब जन ला जाना भी है। कका, सर मेरी बात सुनिए। बहुत सवाल है, देख 3 बजे थे, एक दूटी में घोषणा करा था, बढ़िया शानदार। बालों वाले मन बोल रहे बाबू, सबसे पहली बात ये है, सब हाथ मांगत कते चल दे पाऊ बता। अच्छा एक काम करू, तुमन हा जतका जन बोलना चाहता अपन सुझाव देना चाहता वो लिख के भेज दू, मैं तुम्हारे उत्तर भेजवा दू, ठीक है। क्या सब जन दे पाना संभव नहीं है, वो देखो लड़की मन होती। सर मेरा सवाल नर्सिंग स्टूडेंट्स लोगों के साइड से है। ये वहीं पर नहीं होगा, वो वहीं पर माइक मत दो, मैं अब माइक वापस ले लो। तो सबसे पहली बात है, राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप COE